अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी। तो ईमान के फैमिली चैनल में मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। ईमान आई हुई जी अपनी फूफो के घर में। अस्सलाम वालेकुम, आप भी बोल दें मना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक। तो अभी जो है ना, ईमान को हमने नाश्ता करवा दिया था और मैं इनके लिए बना रही हूँ जी मिल्क शेक, जो कि हमारा देसी मिल्क शेक होता है, जो हम दूध है उससे बनाते हैं। तो जहाँ पे जी मैंने जग में आम काट के छील के काट लिया है, अभी हम इसमें डाल देते हैं जी चीनी। नाश्ते के बाद मैंने कहा पहले ये जूस पिला देते हैं ना, क्योंकि नाश्ता किए हुए तो काफ़ी टाइम हो गया है, मतलब 2-3 घंटे हो गए होंगे। फिर दोपहर का खाना बनाएंगे। आजकल तो बस गोश्त ही चल रहा है, क्योंकि ईद थी, बकरा ईद, तो इसलिए यहाँ पे जी मैंने चीनी इसमें शामिल कर दी। तो अभी डाल देते हैं जी दूध। आजकल धूप इतनी ज़्यादा निकली हुई है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी और हवस होती है। फर्स्ट टाइम जो है ना कमरों में बैठना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हवस बहुत है। और यहाँ पे दरख्तों के नीचे थोड़ी बहुत भी हवा चले ना तो फिर सुकून होता है। अभी इसलिए हम यहाँ पे खड़े हैं और खाना भी हम इधर ही चूल्हे पे बनाएंगे, यहाँ पे छाँव है तो इसलिए। लेकिन जूस जो है फिर हम उधर चल के बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी वायरिंग नहीं हुई है ना, न्यू न्यू कमरे बने हैं तो अभी इनका काम करवाना है, इसलिए यहाँ पे कोई बोर्ड नहीं है। तो अभी इनको अंदर लेके चलते हैं, इधर चल के जूस हम बना लेते हैं। स्टार्ट हुए। हाँ हाँ जी, अम्मी ने देखो कितनी मेहनत से इसको साफ सुथरा करके बांध के रखा हुआ, ताकि जो है ना मिट्टी इसमें ना चली जाए, ये जूस वाली मशीन में, क्योंकि यहाँ पे देहात में मिट्टी बहुत ज्यादा होती है ना, इसलिए थोड़ी सी हवा भी चले तो बहुत ज्यादा मिट्टी आ जाती है। जी, तो अभी यहाँ पे इसके ऊपर जग डाल रख लेते हैं जी, जग। हाँ जी, हाँ जी, अनाया को असल में नींद आ रही है। ये लो मान, अबू लोग जो हैं वो घर पे है नहीं, चारा लेने के लिए गए, तो हमने कहा कि हम जो जूस के मज़े करते हैं। अभी हम जूस पीते हैं और उसके बाद जो है फिर खाना बनाएंगे अबू लोगों के लिए भी और अपने मेहमानों के लिए भी। आपको भी चाहिए? नाया को पसंद नहीं, फाइको को भी नहीं पसंद, हुजैफ बस वैसे मैंगो खा लेते हैं, लेकिन जो जूस जो है वो पसंद नहीं है। अभी हमने जूस जो है वो पिला दिया ईमान को, और मैंने कहा कि ईमान कल अपनी अपनी फूफो के घर से, ये जो है ईमान की फूफो का घर है, तो इधर से खाना खाया। तो आज जो है आप हमारे घर आई और हमारे घर आके खाना खाएंगी, तो मैं दोपहर का खाना जो बनाऊंगी, अभी ईमान को मैं लेके जा रही हूँ जी अपने घर। आ जाओ ईमान। ये दोनों भाई जो है ना भीड़ों के छत्ते में हाथ डालने वाले हैं और इन्होंने तुझे काट लेना है। किधर है भीड़? किधर है?